नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ओर, जहां यमुना पार के कुराँव तहसील से आ रही है बहुत बड़ी खबर जो दिल दहला देने वाली है। योगी मोदी के दावे की खुली पोल, कुराँव के गरीब परिवार की स्थिति देख आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे। बारिश में भवन गिर जाने से खुले में भी गरीब ब्राह्मण परिवार रहने को मजबूर हो चुके हैं। 5 साल से लगातार पीड़ित लगा रहा क्षेत्रीय नेताओं के दरवाजे का चक्कर, आज तक नहीं मिल पाया सरकारी भवन। तहसील कुराँव के बड़ोखर गांव जवा बांध का पूरा है मामला। गांव बड़ोखर जवा बांध के रहने वाले रामानंद तिवारी का जर्जर भवन तेज बरसात होने के कारण गिर चुका है, जिसमें खुले में रहने को गरीब परिवार मजबूर हुए और क्षेत्रीय नेताओं को जानकारी होने के बाद भी नहीं किया गया अभी तक कोई भी मदद। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। मामला प्रयागराज जिले के यमुना पार की तहसील कुराँव का है, जहाँ गांव बड़ोखर जवा बांध के निवासी रामानंद तिवारी किसान परिवार से आते हैं और पिछले 5 सालों से जर्जर भवन में रह रहे थे, जिसकी सूचना क्षेत्रीय सभी नेताओं को, ब्लॉक एवं तहसील के अधिकारियों को भी उन्होंने दे रखा था। इसके बावजूद उन्हें ना तो प्रधानमंत्री आवास के तहत ना तो ग्राम प्रधान के अंतर्गत आने वाले कॉलोनी का लाभ अभी तक मिला, जिसके कारण भारी बरसात हो जाने से रामानंद तिवारी जर्जर कच्चा मकान धराशाही हो गया, पूरी तरीके गिरकर जमींदोज हो चुका है रामानंद तिवारी का घर, जिसके कारण गरीब रामानंद तिवारी पत्नी और बच्चों के साथ बिना घर के खुले में रहने को मजबूर है, जिससे योगी मोदी सरकार के साथ ही क्षेत्रीय नेताओं की बड़ी किरकिरी हो रही है, किंतु इसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखने वाली बात तो ये होगी, आखिर रामानंद तिवारी कब तक बिना मकान के रात्रि व्यतीत करते हैं। घर गिर जाने के बाद पीड़ित रामानंद तिवारी का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं हम उन्हीं की जुबानी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए क्राइम डिपार्टमेंट हेड शिवम नंदन त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामानंद तिवारी, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, तहसील कुराँव, गाँव बड़ोखर जवाबान। आज 3 साल से आदरणीय जी मेरा घर गिरा है, मैं सबको बोल चुका, लेखपाल से लेकर सबको, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए महोदय से हमारा सविनय निवेदन है कि अब बच्चों को लेकर के मैं गरीब आदमी कहाँ रहूँ, कृपया इसकी इंक्वायरी करके हमको घर दिया जाए। माननीय योगी जी से यही निवेदन है, सभी नेताओं से यही निवेदन है कि हमारा घर हमको मिल जाए। बच्चों को लेकर के मैं कहाँ रहूँ, कंडीशन देख लिए, हमारे बच्चे सब खड़े हैं, मैं गरीब आदमी कहाँ जाऊँ, यही निवेदन है महोदय जी। पता है प्रयागराज, तहसील कुराँव, बड़ोखर जवाबान का मैं रहने वाला हूँ, बस यही निवेदन है।